बताया जा रहा है कि एक जेसीबी चालक ने पेट्रोल पंप मालिक को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। वहीं इसी दौरान शराब के नशे में धुत जेसीबी चालक ने पुलिस की जीप पर ही हमला बोल दिया और जीप को जेसीबी से पलट दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। दरअसल पूरा मामला जोधपुर की भोजासर थाना पुलिस पर जानलेवा हमले का है। तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से जेसीबी के जरिए ही जो जीप थी पुलिस की, उसे पलट दिया गया। तस्वीरें जो हैं वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या कुछ यहां पर अंजाम दिया गया, इस पूरी घटना को किस तरीके से अंजाम यहां पर दिया गया है। हमला यहां पर पुलिस की टीम पर ही कर दिया गया। घटना देर रात की बताई जा रही है, आओ गांव के पास की। जेसीबी चालक ने पेट्रोल पंप मालिक को धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं शराब के नशे में ये जेसीबी चालक पूरी तरीके से धुत था। वहीं पुलिस की जीप पर इसने हमला बोल दिया और जीप को जेसीबी के जरिए पलट दिया। अरुण हर्ष जी मीडिया संवाददाता खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, पूरा मामला बताइए और क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में हो रही है। सुमित, मैं बताना चाहूंगा, ये कल देर रात की घटना है, जब एक जेसीबी चालक है जो शराब के नशे में पेट्रोल पंप मालिकों को धमकियां दे रहा था कि उनके पेट्रोल पंप को तोड़ देगा, जिस पर भोजासर थाना पुलिस की गाड़ी और सिपाही वहां मौके पर पहुंचे थे और इस जेसीबी वाले को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन जेसीबी चालक नशे में धुत होकर उसने पुलिस की जीप को ही टक्कर मार दी और पुलिस की गाड़ी को पलट दिया। उसके बाद पुलिस ने जैसे तैसे करके इसको शराबी को कब्जे में लिया है और अभी भोजासर थाना पुलिस की हिरासत में है। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसने क्यों किया। हालांकि शराब के नशे में बताया जा रहा था, लेकिन इसकी क्या रंजिश थी पेट्रोल पंप मालिकों से और क्यों पुलिस पर हमला किया, इसकी पुलिस है जो जांच कर रही है। उम्मीद ये भी जानना चाहेंगे अरुण आपसे, इस पूरे मामले में आखिर शिकायत जो है पुलिस के पास क्या कुछ पहुंची थी, किस वक्त का ये पूरा मामला है। पेट्रोल पंप मालिक को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें विवाद था, क्या कुछ जो है शिकायत पुलिस के पास की गई थी। देर रात को जब पुलिस को यह सूचना मिली भोजासर थाना पुलिस को कि एक जेसीबी डंपर चालक जो है पेट्रोल पंप से आगे पीछे टक्कर लगा रहा है और पेट्रोल पंप के जो संचालक है उनको धमकी दे रहा है कि आपका पेट्रोल पंप तोड़ दिया जाएगा, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। इस दौरान जेसीबी चालक ने पुलिस की जीप को ही टक्कर मार दी। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से सामने आ रहा है, पुलिस की गाड़ी भी पलट दी है। तो कह सकते हैं शराबी के ऊपर एक जनून छाया हुआ था शराब के नशे में। और कितने पुलिसकर्मी इस जीप में जो है सवार थे जब यहाँ पर पहुंचे, ये पुलिस की जो टीम पहुंची थी? करीब 2 से 3 पुलिसकर्मी बताया जा रहे हैं। अभी हमारी भोजासर थाना अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा हम पूरे मामले की अभी जांच कर रहे हैं और आपको उस समय बात बताएंगे, लेकिन उन्होंने बताया 2 से 3 जवान वहां गए थे उसको रोकने के लिए, लेकिन इस दरमियान सिर्फ जेसीबी चालक ने पुलिस की गाड़ी पर ही हमला बोल दिया। ये बड़ी बात है कि इनमें किसी का खौफ नहीं रहा है और जिस तरह से पुलिस की गाड़ी पर हमला बोला है वाकई निंदनीय है। बिल्कुल, और गंभीर सवाल है जिस तरीके की स्थितियां जो है इन तस्वीरों में यहां पर नजर आ रही है। अरुण, ये भी बताइए कि क्या किसी को चोट आई है इसमें, किसी पुलिसकर्मी को, और फिलहाल क्या गिरफ्तारी इस ड्राइवर की जो है हो चुकी है? सुमित, अभी पुलिस ने इसको रात को ही हिरासत में ले लिया था, करीब रात 1 बजे की ये घटना बताई जा रही है और 2 से 3 जो पुलिस थे जब गाड़ी की जीप पलटी थी उनके खरौते आई है, लेकिन गंभीर रूप से जख्मी नहीं हुआ। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि ज्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरह से दुस्साहस कार्य किया है पुलिस के ऊपर भी हमला करना, ये बड़ी बात है। राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करने की बात पुलिस कह रही है, साथ ही साथ अभी और इससे पूछताछ कर रही पुलिस। पेट्रोल पंप मालिक के साथ इसका क्या विवाद था बताया जा रहा है, ये 1 से 2 पेट्रोल पंपों के ऊपर गया था और उनको बोला था मैं आपका पेट्रोल पंप तोड़ दूंगा और इसी बात को लेकर ये सारा बवाल खड़ा हुआ और इसमें पुलिस की गाड़ी को भी पलट दिया। जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज सामने आए उससे लगता है कि जेसीबी चालक वाकई बहुत ज्यादा शराब पिया हुआ था और उत्पात मचा रहा था। और तस्वीरें हम लगातार यहां पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर कैसे जेसीबी चालक ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अलग अलग पेट्रोल पंपों पर ये पहले जेसीबी चालक जाता है, वहां पर पेट्रोल पंप को तोड़ने की धमकी देता है, शिकायत पुलिस के पास पहुंचती है तो पुलिस की टीम कार्रवाई करने के लिए जैसे ही मौके पर आती है तो जेसीबी चालक कैसे यहां जो जीप है पुलिस की, जो टीम जिस जीप के जरिए पहुंची थी उसे ही यहां पर निशाने पर ले लेता है और उसके बाद उसे पलट देता है। हालांकि राहत की बात यह है कि इसमें जो पुलिस कर्मी है उन्हें गंभीर चोट नहीं लगी है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए इस जेसीबी चालक को भी गिरफ्तार यहां पर कर लिया है, कब्जे में से ले लिया गया है। बताया जा रहा है कि पूरी तरीके से नशे में यह धुत था। कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल यहां पर की जा रही है। तस्वीरें जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कई गंभीर सवाल भी जो है इसके बाद खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या कानून का जो खौफ है वो पूरी तरीके से ऐसे अपराधियों के मन से खत्म हो चुका है कि अब पुलिस पर भी निशाना साधने से, उन पर हमला करने से ये अपराधी गुरेज नहीं कर रहे हैं, और कैसे इस जेसीबी की मदद यहां पर ली जाती है और जो जीप है, गाड़ी है पुलिस की,
उसे पूरी तरीके से कुचल दिया जाता है जेसीबी मशीन के जरिए इस चालक की तरफ से। हालांकि इसके बाद पुलिस पूरी तरीके से हरकत में आती है और इस जेसीबी चालक को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जो है यहां पर की जा रही है। दरअसल देर रात का ये पूरा मामला यहां पर बताया जा रहा है जब पुलिस की टीम शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी। अरुण जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए थे। अरुण आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तस्वीरें यहां पर एक्सक्लूसिव इस वक्त आपको जी राजस्थान पर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं इस पूरी घटना का, किस तरीके से यह सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। तो चलिए एक साथ बुलेटिन में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहे जी राजस्थान के साथ। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पर आप लॉग इन कर सकते हैं तमाम खबरों की अपडेट के लिए www.zeerajasthan.com पर।